साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन में समझा था कि इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, और हमने आपके साथ में कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिंट और इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इन दो प्रोग्राम्स का सोल्यूशन देखेंगे कि आप इन प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर बोला गया है राइट अ प्रोग्राम to enter to number and print sum, कि आप लोगों को एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें दो नंबर यूजर से लेना है और उसका सम प्रिंट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, चलते हैं अपने पाइथन आइडियली पे और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि हमें दो नंबर को आपस में ऐड करना है तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो पहला वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए n1 नाम का, और एक वेरिएबल n2 नाम का। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n1 के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करते हैं जिसे हमें सम कराना है। तो इक्वल, आप जानते हैं कि इनपुट लेने के लिए आपके पास है इनपुट फंक्शन, तो आप लिखेंगे इनपुट एंड आप इसके पैरेंथेसिस के अंदर एक मैसेज दे सकते हैं लाइक इंटर फर्स्ट नंबर, FIRST, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, और आपने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। देन इसके बाद इसी टाइप से आप लोग एक यहाँ पर मैसेज देंगे इनपुट, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक, इनपुट एंड इंटर इंटर सेकेंड नंबर, ठीक। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू यूज़र करेगा, इंटर करेगा, वो वैल्यू n1 और n2 के अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो इनपुट फंक्शन है, जब ये किसी वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो एज आ टेक्स्ट, एज आ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। चूँकि हमें आप नंबर को आपस में ऐड करना है तो हमें उस टेक्स्ट को नंबर में चेंज करना होगा, और इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है एंड दैट इज़ इंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट और इस ब्रैकेट के अंदर इस इनपुट फंक्शन को यहाँ से बंद कर देंगे, इसके इनसाइड में रखेंगे इंट, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। तो इस ऐसे में क्या होगा कि जो वैल्यू यूज़र इंटर करेगा उसे नंबर में चेंज कर दिया जाएगा और n1 और n2 के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। देन इसके बाद बनाते हैं एक वेरिएबल सम नाम का, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं, मान लीजिए सम s कर लेते हैं, ठीक है, s इक्वल n1 प्लस n2। तो ऐसे में क्या होगा, जो वैल्यू n1 में है और जो वैल्यू n2 में है उनको आपस में ऐड कर दिया जाएगा और उसे s के अंदर असाइन कर दिया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे कि भाई साहब, जो आपने नंबर एंटर किया था उसका सम मैंने निकाल लिया है, द सम इज, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा के प्रिंट कर देंगे एस की वैल्यू। अगर लगाएंगे प्लस तो यहाँ पर आने वाली है एरर, क्योंकि प्लस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वो दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता है, या दो से अधिक आपके पास स्ट्रिंग है तो उसको कंकैटिनेट कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग है और जो एस में वैल्यू है वो एक नंबर है, तो आप स्ट्रिंग और नंबर को कंकैटिनेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके बीच में लगाया है कॉमा ऑपरेटर, ना कि प्लस, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। इसको हमने रन कराया तो ये पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 63, इंटर सेकेंड नंबर, मैंने एंटर किया 78, तो यहाँ लिख क्या चुका है, द सम इज़ 141। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए, भाई साहब ये बताइए, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो नंबर भी प्रिंट हो, जैसे कि जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप से आए, द सम ऑफ 63 and 78 इज 141, तो ये काम कैसे हो पाएगा, आप इसके बारे में मुझे समझाइए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, आप लोगों को जो जहाँ से आपने स्ट्रिंग को स्टार्ट किया है उसके पहले आपको एक लगाना होगा एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसके पहले मैंने आपको बताया था रॉ स्ट्रिंग के बारे में, और ये क्या है, यह है फॉर्मेट स्ट्रिंग। हमने यहाँ पर लिख दिया है एफ, एंड इसके बाद द सम ऑफ कौन, जो वैल्यू n1 के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे प्लेस होल्डर, यानी कि इसके लिए आप यूज़ करने वाले हैं मंझला ब्रेकेट। अब चूंकि हमें यहाँ पर इस जगह पर n1 की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n1, तो द सम ऑफ n1 एंड n2, अब हमें n2 की वैल्यू प्रिंट करना है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लेस होल्डर के अंदर n2, द सम ऑफ n1 एंड n2 इज इक्वल, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से s की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे,
तो इसको हमने आसरण कराया। तो ये पूछ रहा है भाई साहब पहला नंबर इंटर कीजिए, मैंने इंटर किया 45, इंटर सेकेंड नंबर 50, तो यहाँ लिख क्या चुका है द सम ऑफ 45 एंड 50 इज 95। तो आप लोग इस तरह से डिजायर आउटपुट को एक अच्छे खासे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का रिजल्ट आप एक और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको तरीका बता दूंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इसको समझ लीजिए कि जहां पर हमें वैल्यू प्रिंट करना होगा तो वहां पर हम लाएंगे प्लेस होल्डर, और जिसे हमें एज इट इज़ प्रिंट होगा उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे खुलेआम। लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू प्रिंट करना था तो इसे हमने इस ब्रैकेट के अंदर रखा है, जिसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, और आप लोगों को यहाँ पर F लगाना होगा जब भी आप लोग प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था आपने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि आप लोगों को जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हम लिख देते हैं N1 की जगह पर L यानी कि लेंथ, एंड इसके बाद ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, मैंने यहाँ पर लिखा इंटर लेंथ, ठीक है, यानी कि इंटर लेंथ और इंटर ब्रेथ, यानी कि लंबाई को इंटर कीजिए और चौड़ाई को इंटर कीजिए, यानी कि B, इंटर L एंड B। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको लाना होगा फार्मूला। तो आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल है आयत होता है उसका फार्मूला क्या होता है एरिया का, तो एरिया इक्वल लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने आप लिख दिया है L इंटू बी। तो ऐसे में क्या होगा, जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और वहाँ से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको निकालना है आयत का परिमाप यानी पैरामीटर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे PERI पैरामीटर इक्वल क्या होता है 2 × L + B, तो आप लिखेंगे 2 × ब्रैकेट के अंदर L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। देन इसके बाद हमने यहाँ प्रिंट कर दिया है द एरिया ऑफ, या इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से प्रिंट करते हैं, प्रिंट है प्रिंट द एरिया ऑफ द एरिया इज इक्वल, और हमने यहाँ से एरिया की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, एंड इसके बाद प्रिंट, और हमने यहाँ से द पैरीमीटर इज, और इसको हमने यहाँ से पैरीमीटर प्रिंट कर दिया है। ऐसे में क्या होगा, इसको रन करते हैं, F5 किया हमने, यहाँ से पूछ रहा है यहाँ पे कोई एरर आ रही है, एरर क्या बताइए, एरर इसमें हमने ये कर दिया है कि हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर कॉमा यूज़ करना होगा, यानी कि मुझे यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर लंबाई, तो हमने एंटर कर दिया है लंबाई फॉर एग्जांपल 5, इसके बाद चौड़ाई मैंने एंटर कर दिया है 6, 5 और 6, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा इसका एरिया, 5 6 30, तो 30 और पैरामीटर कितना आ गया है 22। तो आप इस टाइप से जो रेक्टेंगल है उसका एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपसे कहा गया है, अगली प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेडियस इंटर कराने, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड इसके बाद इससे हम लोग आर के अंदर स्टोर कर लेंगे। हमने यहाँ पर लिखा इंटर रेडियस, रेडियस, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो फार्मूला होता है किसका, एरिया का, किसके, सर्किल का एरिया, वो क्या होता है एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14, ठीक है, इंटू आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और हमने यहाँ से एरिया को प्रिंट कर दिया, इसको मैंने रन कराया, तो ये पूछ रहा है इंटर रेडियस, मैंने इंटर किया 7, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है कि जो एरिया है सर्किल का वो कितना है 153.86। आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि जो ये वैल्यू है ना ये सिर्फ ये पॉइंट में ना आए बल्कि इंटीजर में प्रिंट हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू एरिया के अंदर है इसे आप टाइप कास्ट कर सकते हैं, इसे आप फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा फ्लोट, सॉरी आपको यहाँ पर लिखना होगा इंटीजर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में ही है, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे इंट, और यहाँ से जो पॉइंट डेसिमल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए इंटर रेडियस, मैंने इंटर किया 7, तो यहाँ लिख के आ चुका है द एरिया इज 153। तो आप लोग इस टाइप से डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग इंट फंक्शन। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।